वेलकम माय डियर जीनियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 का स्टेटिस्टिक का चैप्टर नंबर 3 रैखिक नियत संबंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, वो सीखने वाले हैं। इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी में हम आगे आज चला रहे हैं। आज हम दूसरे सवाल देखने वाले, एक मेथड मैंने आप लोगों को बताई है, आज हम दूसरी मेथड देखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सारे सवालों को समझते हुए इसको आपको लिखना भी है। तो यदि आपने उसको लिख लिया तो आप उसे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हो और आप वीडियो देखते देखते इसमें गुम हो जाए, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये डेटा हमको दिया है एक कंपनी के कार सर्विस सेंटर में रिपेयरिंग हेतु लगने वाले समय और खर्च की मायती, ये हमको दी है। ये रिपेयरिंग का समय है, ये खर्च है। तो इस पर से हमको रिपेयरिंग खर्च y की x पर से नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी, खर्च की y पर से यानी y की x पर से नियत संबंध रेखा निकालनी है। और यदि रिपेयरिंग खर्च 50 मानव घंटे लगते हो तो रिपेयरिंग का खर्च ज्ञात करो। ओके, तो ये डेटा हमको दिया है। तो पहला हमने जो मेथड देखा था दोस्तों, मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, उसमें जो मैंने फॉर्मूलास बनाए हैं वो आपको लिखने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अगर हमारा जो डेटा दिया है ये अवलोकन 25 से आसपास हो, उससे छोटे हों, तो हमारा जो ए जो हमने जो सूत्र देखा था लास्ट टाइम वो ज़्यादा अनुकूल रहता है। तो अगर ये 25 से बड़ा डेटा हो तो क्या सूत्र लगेगा वो हम डिसाइड करेंगे। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे एक्स बार और वाई बार से। तो उसके लिए हम निकालेंगे सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई। दोस्तों, ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है। मैं एग्जाम्पल के साथ साथ जो आपके टेक्स्ट बुक के सामने वो भी बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम सिग्मा एक्स निकालेंगे। तो सिग्मा एक्स है हमारा 204, सिग्मा वाई है 174। ओके, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन s, यानी 204 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 से भाग दो तो 6 3 18, 6 4 24, 34। ओके, x बार आया आपका 34। फिर इसके बाद निकालते हम y बार। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, 174/6, 6 2 12, 6 9 54, y बार आया 29। तो अगर आपका x बार और y बार पूर्णांक आता है, पूर्णांक यानी डेसिमल में नहीं आता है, तो हम ये सूत्र लगाते हैं by x इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये सूत्र हम लगाते हैं कब, जब आपका x बार और y बार पूर्णांक हो यानी डेसिमल में ना आए। ओके, तो यहां हम लिखेंगे x माइनस x बार, यहां लिखेंगे y माइनस y बार। x बार है आपका 34, तो इन सब में से हम 34 माइनस करेंगे, इसमें से 34 घटाना। ओके, तो 32 माइनस 34 माइनस 2, 40 माइनस 34 6, सब में से मैं 34 घटा रहा हूं। ओके, 25 में से 34 माइनस 9, 29 में से 34 माइनस 5, इधर आएगा 1 और इधर आएगा 6 + 3 9। दोस्तों, यहां पे एक वस्तु याद रखना, आपका सिग्मा x माइनस x बार 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो समझ लेना आपने कुछ भूल की। देखिए 9 1 10 6 16, 9 5 14 2 16, 0 आ गया। और इसमें एक वस्तु याद रखना कि माइनस वाले अलग लिखेंगे, प्लस वाले अलग लिखेंगे, ताकि जोड़ घटाव में भूल ना हो। ओके, अब हमारा y बार है 29, सब में से 29 माइनस करेंगे, 25 में से 29 माइनस 4, 35 में से 29 6, 18 में से 29 माइनस 11, 20 में से 29 माइनस 7 प्लस 1, यहां आप घटाओगे तो 16 और एक 17 आएगा। तो देखिए 17 1 18 6 24, 11 7 18 4 22, 1 मिनट और लेट मी सी, 25 में से 29 गया माइनस 4, 35 में से 29 गया प्लस 6, 18 में से 29 गया माइनस 11, 28 में से 29 जाएगा तो माइनस 1 आएगा, ये मिस्टेक हो गई थी।
ओके, सो 17-6-23, 11-7-18, 1-19-4-23। तो दोस्तों आपको यहीं पे चेक कर लेने का, तो क्या होगा कि आगे आपकी भूल की गुंजाइश नहीं रहेगी। हम यहीं पे चेक कर लेंगे कि हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अभी आएगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 8 माइनस माइनस प्लस 8, 6 × 6 = 36, 11 × 9 = 99, 5 × 7 = 35, 1 × 1 = 1 माइनस 1, 17 × 9 = 153। ओके, या हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस एक्स बार आपका ये है, इसका होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, 9 का वर्ग 81, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81। बराबर, अब इसका हम करेंगे टोटल, तो हमारा इसका टोटल आएगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 330, और हमारा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का टोटल होगा 228। ओके, तुम्हारा फॉर्मूला, ये जो मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख दिया, आपको क्या करना है, फॉर्मूला 2 से 3 बार लिखिए, तो आपकी भूल की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। चलिए, तो इसकी वैल्यू लिखूंगा मैं 330, इसकी वैल्यू 228, 228 से इसमें भाग देंगे तो आपको मिलेगा 1.45। इसके बाद हम निकालते हैं a, a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार, तो y बार हमारा कितना है 29, माइनस b के प्लेस पर लिखोगे आप 1.45, x बार के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 34। चलिए 29, 1.45 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 49.3, तो आप इसको माइनस करो तो -20.3 ये निकला। अब इसके बाद हम निकालते हैं नियत संबंध मॉडल बोलिए या नियत संबंध रेखा बोलिए, वो तो क्या है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो y कैप a के प्लेस पर आप क्या लिखोगे -20.3, b के प्लेस पर क्या लिखोगे आप 1.45x। ये है आपका नियत संबंध मॉडल या नियत संबंध रेखा, कुछ भी कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आगे कंडीशन दी कि अगर रिपेयरिंग में 50 घंटे का समय लगता है तो हमको खर्च कितना होगा, 50 घंटे का समय यानी x बराबर 50 लेने पर, रिपेयरिंग का समय 50 घंटे यानी रिपेयरिंग का समय यानी x बराबर 50, तो जहां x वहां लिखिए 50, तो -20.3 1.45 x की जगह 50, तो -20.3 1.45 में 50 का आप क्या करोगे गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 72.5, तो इसमें से घटाइए तो y कैप आपका मिलेगा 52.2। अब ये क्या था, ये जो था 1000 रुपया, तो यहां लिख देने का 1000 रुपया। ओके, फिर से पूरा सवाल मैं आपको बता देता हूं, देखिए सवाल जो मैंने था उसको डायरेक्ट मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, क्या दिया है कि रिपेयरिंग में लगने वाला समय और खर्च का डेटा हमको दिया, ये समय है ये खर्च है, तो हमको y की x पर से नियत संबंध रेखा निकालनी है। इसके साथ साथ अगर 50 घंटे का समय लगता हो तो खर्च कितना होगा वो हमको निकालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ये जो सवाल है, ये तीसरे चैप्टर है, इसमें आपको x बार y बार कंपलसरी निकालना ही है, उसका यूज होता ही है, तो हमने x बार y बार निकाला, तो x बार आया हमारा 34, y बार आया 29, x बार बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n, तो सिग्मा x ये रहा आपका 204, n मैंने कैसे लिया फिर से बता दूं, 1 2 3 4 5 6, यहां से 6 से इसमें भाग दिया 34, सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y आपका 174/6 से भाग दिया 29, क्लियर। तो आपका x बार y बार दोनों पूर्णांक आ रहा है, यानी डेसिमल में नहीं आ रहा है, दशमलव में नहीं आ रहा है, इसलिए हमको ये सूत्र हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। ओके, तो अब क्या निकालेंगे, x माइनस x बार, तो आपका x बार है 34, सब में से 34 घटाएंगे, 32 में से 34 घटाऊंगा -2, 40 में से 34 घटाऊंगा 6, 25 में से 34 घटाऊंगा -9,
29 में 34 घटाऊंगा माइनस 5, 35 में 34 घटाऊंगा तो प्लस 1, 43 में से 34 घटाऊंगा तो 9। इसी तरह, और दोस्तों यहां पे ये चेक कर लेगा ऑन द स्पॉट, ये जीरो होना चाहिए ऑलवेज, हमेशा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार जीरो होता है। ओके, या 29 सब में से 29 घटाएंगे तो 25 में से 29 घटाएंगे माइनस 4, 35 में से 29 घटाया 6, 18 में से 29 घटाया माइनस 11, 22 में से 29 घटाया माइनस 7, 28 में से 29 घटाया माइनस 1, 46 में से 29 घटाया 17। इन सब का टोटल भी जीरो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपने भूल की है, तो भूल का प्रायश्चित कर लो। अब है x माइनस एक्स बार इंटू इंटू वाई, माने इनके बीच गुणा का संबंध, यानी देखिए 2 चौक 8, 6 छींक 36, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, ये चीज याद रखना, छोटी छोटी बातें। माइनस माइनस 11 9 99, 7 5 35, 1 1 1, माइनस 1 17 × 9 153। फिर ये है आपका x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। x माइनस एक्स बार यानी ये 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, 9 का वर्ग 81, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81। इसका भी इन दोनों का टोटल ले लिया। ये हमारा सूत्र है दोस्तों, तो सूत्र में वैल्यू रखेंगे, इसके प्लेस पर आप क्या लिखोगे 330, इसके प्लेस पर आप क्या लिखोगे 228, 228 से इसमें भाग दिया 1.45। इसके बाद आपको अचलांक ए निकालना पड़ता है। ए का फॉर्मूला है ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो y बार के प्लेस पर आप लिखोगे 34, सॉरी y बार के प्लेस पर आएगा 29, b के प्लेस पर आएगा 1.45, x बार के प्लेस पर आएगा 34। 1.45 में 34 को मल्टीप्लाई करो 49.3, इसमें से घटाएंगे माइनस 20.3। नियत संबंध रेखा का मॉडल का ये सूत्र है, तो a की जगह क्या लिखोगे आप माइनस 20.3, b की जगह क्या लिखोगे 1.45x। आगे क्या बोल रहे हैं, यदि रिपेयरिंग काम में 50 घंटे लगते हैं तो खर्च निकालो, यानी x बराबर 50 लेंगे हम, तो जहां x है देखिए यहां पे उसकी जगह 50, इसमें 50 का गुणा किया 72.5, 72.5 में इसको माइनस करेंगे तो 52,000 रुपए। ओके, आई एम श्योर दोस्तों आपको पूरा ख्याल आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको फिर से कीजिए, तो आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। अब हम आगे का सवाल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये आपके टेक्स्ट बुक का सम नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 का। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एग्जाम्पल के साथ साथ जो टेक्स्ट बुक के सवाल हैं वो भी कराने वाला हूं। ओके, तो हमको क्या दिया है कि एक गांव में 5 वर्षों में हुई वर्षा और फसल की माहिती दी हुई है, तो उत्पादन की वर्षा पर से नियत संबंध रेखा ज्ञात करो। तो यहां दोस्तों आपको x और y नहीं दिया गया, वो आपको खुद निश्चित करना पड़ेगा कि इसमें x क्या है y क्या है। ओके, तो देखिए वर्षा जो है वो स्वतंत्र चल है, वर्षा कितनी होगी वो भगवान के हाथ में, लेकिन फसल का उत्पादन वर्षा पे आधारित होता है। फसल बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, बरसात नहीं होगी तो फसल का उत्पादन भी कम होगा, तो यानी ये आधारित चर है। तो स्वतंत्र चर को हम x लेते हैं, आधारित चर को हम y लेते हैं। ये जो चीज़ है स्वतंत्र चर आधारित चर, मैंने पिछले पार्ट में बताया, यू मस्ट वॉच इट। ओके, तो हमारा ये एक्स ये वाई है, इसका टोटल ये रहा, इसका टोटल ये रहा, ये देखिए ये एक्स ये वाई। तो हम निकालेंगे सबसे पहले एक्स बार, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स है आपका 155, एन है आपका 5, 5 से भाग दिया हमको मिला 31। वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई है आपका 450 बटे में 5, 5 से भाग दिया 90, 5 कहाँ से आया देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5। ओके, तो आपका x बार और y बार दोनों पूर्णांक आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा है, दशमलव में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में हमारा जो पहले नंबर वाला जो हमारे अभी हमने पिछली बार जो सूत्र लगाया था वो हमारा सबसे आसान रहेगा। तो यहां हम निकालेंगे x माइनस एक्स बार, या निकालेंगे हम y माइनस वाई बार। x बार है आपका 31, y बार है आपका 90। ओके, अब इन सब में से 31 घटाइए तो 25 में से 31 घटाऊंगा माइनस 6, 32 में से 31 प्लस 1, 38 में से 31 7, 29 में से सॉरी 7 प्लस को इधर लिखिए दोस्तों,
और 29 में से 31 माइनस दो, 31 में से 31 जीरो। इसका टोटल चेक किए, जीरो होना चाहिए, तो ये जीरो है। कैसे? 7 और 1 8, 6 और 2 8, प्लस 8 में से माइनस 8 गया, जीरो। ये मैं वंस अगेन आई रिपीट, ये यहीं पे चेक कर लेने का, तो आगे भूल की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। सब में से 90 घटाएंगे, 84 में से 90 माइनस 6, यहाँ जीरो, 95 में से 95, 88 में से 90 माइनस 2, 93 में से 93। तो सिग्मा वाई माइनस वाई बार, ये भी आपका जीरो रहा है, 5 और 3 8, 6 और 2 8, ओके। तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यह आएगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ओके। तो देखिए, 6 6 36 प्लस 36, 1 × 0 0, 5 7 35, माइनस माइनस प्लस 4, 0 × 3 0, ओके। टोटल लिखिए, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसका टोटल हो रहा है 36 और 40, 4 40 40 और 35 75, ओके। अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका वर्ग यहां पर आएगा, 6 का वर्ग 36, 1 का वर्ग 1 एकम 1, 7 का वर्ग 7 7 49, 2 का वर्ग 2 2 4, 0 का वर्ग 0। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 49 और 1 50, और ये 40 90। क्लियर? ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम निकालेंगे अपना राज, सूत्र लगाएंगे बी वाई एक्स वाला। तो बी वाई एक्स इजिकल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा 75/90। तो इसमें भाग देंगे तो हमको मिलेगा 0.83। इसके बाद हम अचलांक निकालते हैं। अचलांक है हमारा a इक्वल टू y बार माइनस b x बार। तो y बार कितना है? 90। b है 0.83, x बार है आपका 31। 0.83 में 31 का हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 25.73। 0.83 × 31 करोगे तो 25.73 मिलेगा। इसको इसमें से घटाने पे आपको मिलेगा 64.27, ओके। अब इसके बाद हम निकालेंगे नियत संबंध रेखा या नियत संबंध मॉडल, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो आपका y कैप a के प्लेस पर आप लिखोगे ये 64.27, b के प्लेस पर आप लिखोगे 0.83 एक्स, ओके। अब आगे अपने को कंडीशन दी, क्या कंडीशन दी? कि यदि औसत वर्षा हो 35 सेंटीमीटर हो तो उत्पादन का अनुपात लगाइए। तो वाई कैप बराबर हो जाएगा 64.27, 0.83 इसकी जगह पर आ जाएगा 35। तो वाई कैप 64.27, इसका इसमें गुणा करने पे आपको मिलेगा 29.05। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 6 4 9 13 93.32 टन, ओके। फिर से पूरा सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। ये डेटा हमको दिया है वर्षा की मात्रा और फसल के उत्पादन का डेटा है। तो देखिए, यहां पे आपको स्वतंत्र चर और आधारित चर आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि नहीं दिया है यहां पे। तो स्वतंत्र चर यानी जो निरपेक्ष हो, जिसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता हो, जैसे बारिश है, बारिश का किसी का प्रभाव नहीं होता, जैसी भगवान की मर्जी उतनी होगी, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फसल का उत्पादन इस पे जरूर आधारित रहता है कि अगर फसल अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा। बरसात बहुत ही कम हुई तो उत्पादन भी कम होगा। तो ये उत्पादन क्या है? आधारित चर है। तो जो स्वतंत्र चर है उसको एक्स से दर्शाते हैं और जो निरपेक्ष आधारित चर है, सापेक्ष चर है, उसको वाई से दर्शाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हमने इसका टोटल किया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब हम निकालते हैं एक्स बार वाई बार। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स से आपका ये 155, एन कितना है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग गया 31। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y आपका 450 बटे में n यानी 5,
भाग दिया कितना आया 90। दोनों जो आ रहे हैं आपके x बार y बार दोनों पूर्णांक के, पूर्णांक यानी डेसिमल में नहीं आ रहे हैं, तो उस समय ये सूत्र लगता है। तो इसके प्लेस पर आप लिखोगे 75, इसके प्लेस पर आएगा आपका 90, 90 से इसमें भाग दिया 0.83। उसके बाद हम निकालते हैं a, a का हमारा ये सूत्र है वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो वाई बार के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 90, B के प्लेस पर 0.83, X बार के प्लेस पर 31, इनका गुणा किया 25.73, 25.73 को इसमें से घटाएंगे तो आएगा 64.27। फिर उसके बाद हम निकालते हैं झुकाव रेखा, ये हमारी झुकाव रेखा है Y के बिजुकल A प्लस बी एक्स, A के प्लेस पर 64.27, B के प्लेस पर 0.83 X। अब देखो यहां तो हमारी ये झुकाव रेखा आ गई है, अब आगे हमको कंडीशन दी है कि यदि औसत वर्षा 35 सेंटीमीटर हो तो उत्पादन कितना होगा, तो क्या करेंगे यानी औसत वर्षा 35 सेंटीमीटर यानी x 35 सेंटीमीटर हो तो x की जगह लिखूंगा मैं 35, तो 0.83 गुणे 35 29.05, दोनों का योग 93.32 टन। ओके आई एम श्योर आपको ख्याल आ गया होगा, इसको सॉल्व कीजिए फिर हम आगे का सवाल देखते हैं। दोस्तों ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का टेक्स्ट बुक का चौथे नंबर का सम है। ओके क्या दिया गया, यंत्र पर कार्य करने वाले कारीगरों का अनुभव और कार्य कौशल अंक की माहिती निम्नानुसार है, इस पर से कार्य कौशल अंक का अनुभव पर की नियत संबंध रेखा ज्ञात करो, यानी y की x पर से नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है। ओके तो मैंने आपको डायरेक्ट मैंने कॉलम में डेटा लिख दिया है, ये x दिया हुआ है ये y दिया हुआ है, इसका मैंने टोटल किया है सिग्मा x आया हमारा c, सिग्मा y हमारा 648। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x है आपका 80, n कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 से 80 में भाग दो क्या आएगा 10। y बार इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, तो 648 बटे 8, 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8, ये आया 81। क्लियर, x बार और y बार आपका पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक यानी डेसिमल में नहीं आ रहा है, दशमलव में नहीं आ रहा है, तो जो पिछले वाला सूत्र था हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। x माइनस x बार निकालोगे तो x बार है आपका 10, यह आएगा y माइनस y बार, y बार आएगा आपका 81, बराबर। तो देखिए सब में से 10 घटाऊंगा मैं, 12 में से 10 घटाया प्लस 2, 5 में से 10 घटाया माइनस 5, 10 में से 10 घटाया 0, 3 में से 10 घटाया माइनस 7, 18 में से 10 घटाया प्लस 8, 4 में से 10 घटाया माइनस 6, 12 में से 10 घटाया 2, 16 में से 10 घटाया 6। मैंने जैसे आपको बताया माइनस वाले डिस्को प्लस वाले किसको, तो देखिए ये जीरो आना चाहिए 8, 2, 10, 2, 12, 6, 18, 7, 6, 13, 5, 18, तो ये आपका जीरो आना चाहिए, तो ये हमारा जीरो आ गया। ओके अब निकालेंगे वाई माइनस वाई बार, सब में से 81 माइनस लाइन करेंगे, 83 में से 81 टू, 75 में से 81 माइनस 6, 80 में से 81 माइनस 1, इसमें से 81 घटाऊंगा माइनस 3, इसमें से 81 घटाऊंगा प्लस 8, 81 घटाऊंगा तो 12 ने एक माइनस 13, 81 घटाऊंगा प्लस 7, 81 घटाऊंगा प्लस 6। देखिए 8, 7, 15, 6, 21 और 2, 23, 13, 3, 16 और 7, 23, ये भी आपका जीरो आना चाहिए और जीरो हमारा आ रहा है। ओके यहाँ आएगा आपका x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, देखिए 2 × 2 = 4, 6 × 5 = 30, माइनस माइनस से गुणा प्लस, 0 × 1 = 0, 7 × 3 = 21, 8 × 8 = 64, 13 × 6 = 78, प्लस 78 आएगा माइनस माइनस से गुणा प्लस, 2 × 7 = 14, 6 × 6 = 36। क्लियर, एक भी भूल नहीं होनी चाहिए दोस्तों, प्लस माइनस की एक नॉर्मल भूल हुई आपके 5 मार्क्स चले जाएंगे, इसे इसका ध्यान रखना है। अब यहां आएगा आपका x माइनस x बार का होल स्क्वायर, चलिए 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 0 का वर्ग 0, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, इनका हम कर लेंगे अब टोटल।
तो देखिए ये टोटल मिला आपका 247, y माइनस y बार ये आया आपका 247, और ये सिग्मा x माइनस का x बार का होल स्क्वायर ये हमारा आएगा 218। ओके अब हमारा फॉर्मूला लगेगा बी वाई एक्स इजिकल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये कितना है आपका 247 बटे में 218, 218 से इसमें भाग दो तो आपको मिलेगा 1.13, बी इज इक्वल टू 1.13, इससे इसमें भाग देंगे तो आपको मिलेगा 1.13। इसके बाद हम अचलांक निकालते हैं a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार। तो y बार है आपका 81, b है आपका 1.13, x बार है 10। तो 81 माइनस 11.3 तो ये आपका आएगा, a आएगा आपका 69.7 बराबर। इसे हम कहते हैं अचलांक। ये देखिए सीधी याद रखे बी वाई एक्स है ना, तो पहले वाई बार आएगा फिर बी फिर उसके बाद एक्स बार। ओके अब हम निकालेंगे नियत संबंध मॉडल। तो क्या है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए है आपका 69.7, बी है आपका 1.13, एक्स ये आ गई आपकी नियत संबंध रेखा। अब एक्स की वैल्यू रखिए, क्या बोला है कि अगर 7 वर्ष का एक्सपीरियंस हो तो अंक ज्ञात कीजिए, यानी एक्स बराबर 7 हो तो वाई कैप हो जाएगा आपका 69.7, 1.13, एक्स की जगह पर आप क्या लिखोगे 7। तो 69.7 1.13 में आप 7 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 7.91 बराबर। अब इनका हम जोड़ करेंगे तो आएगा आपका देखिए 1, 9, 7, 16 और 77.61 अंक, ये आएगा कार्य कौशल का अंक। ओके फिर से देखिए दोस्तों, तो क्या दिया है कि कारीगरों का अनुभव कौशल अंक की माहिती दी है, तो हमको कौशल अंक की अनुभव पर से नियत संबंध रेखा निकालनी, यानी वाई की एक्स पर से। ओके तो हमने निकाला सिग्मा एक्स आया हमारा 80, सिग्मा वाई आया हमारा 648। तो हम जो एक्स बार वाई बार निकालेंगे उस पर से हमको आइडिया आएगा कि कौन सा सूत्र हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। तो एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स है आपका 80, एन है आपका 8, कैसे आया देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से 80 में भाग दिया 10। वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई है आपका 648, एन है आपका 8, 8 से भाग दिया 81। तो यहां एक्स बार वाई बार दोनों पूर्णांक आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा है, तो ये सूत्र हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। यहां हम लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बार या वाई माइनस वाई बार, यहां इन दोनों का गुणा इन दोनों का, और यहां पे एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एक्स बार आपका 10 है, सब में से 10 घटाऊंगा इनमें से, 12 में से 10 घटाया प्लस 2, 5 में से 10 घटाया माइनस 5, 10 में से 10 घटाया 0। ओके इसी तरह इन सब में से मैंने 10 घटा के लिखा, यहां 0 आना चाहिए इसका टोटल। फिर वाई बार हमारा 81, तो इन सब में से 81 घटाएं, 83 में से 81 प्लस 2, 75 में से 81 माइनस 6, 80 में से 81 माइनस 3, 78 में से 81 माइनस 3, 89 में से 81 8, 68 में से 81 घटाओगे तो माइनस 13, 88 में से 81 7, 87 में से 81 6। एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी इन दोनों का गुणा, यानी 2 × 4 5 × 36 माइनस माइनस का गुणा प्लस, 0 × -1 0, 7 × 21 माइनस माइनस का गुणा प्लस, 8 × 64 प्लस 64, 13 × 78 माइनस माइनस का गुणा प्लस, 7 × 14 6 × 36। ओके एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी इन सब का वर्ग यहां लिखेंगे, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 0 का वर्ग 0, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4, ये 6 का वर्ग 36, सबका टोटल किया, सूत्र में वैल्यू रखूंगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये रहा 247, ये है आपका 218, 218 से इसमें भाग दिया 1.13। फिर इसके बाद अचलांक निकालते हैं ए, ये सूत्र है ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो मेरा वाई बार कितना है दोस्तों 81, बी कितना है 1.13, एक्स बार कितना है 10,
10 का इसमें गुणा किया 11.3, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ओके, अब ये हमारी नियत संबंध रेखा, ए के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 69.7, बी के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 1.13x। अब कंडीशन क्या दी कि यदि 7 वर्ष का अनुभव व्यक्ति जो है उसको 7 वर्ष का एक्सपीरियंस, यानी एक्स बराबर 7 लो, तो जहां एक्स है वहां 7, 1.13 × 7 ये आया, दोनों को जोड़ दिया। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको मजा आया होगा, ये सवालों को वीडियो पोज करके इसको सॉल्व कीजिए तो फिर आप जिंदगी भर इसको नहीं भूलोगे। तो ये मैंने आज जैसा आप लोगों से वादा किया, मैं सारे सवाल बताऊंगा विद एग्जाम्पल, थियरी भी आती जाएगी। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइए, क्योंकि हिंदी मीडियम में इस तरह का मटेरियल देने वाली ये एकमात्र चैनल है। तो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।